इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू यूज सुटेबल आइडेंटिटीज और इसको सॉल्व करना है। तो आइडेंटिटी जो है वो कौन सी लग रही है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। हमेशा ध्यान रखिए ये चैप्टर्स की ये पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटी बेस्ड है। अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी इसे सॉल्व करने में, आपको आइडेंटिटी याद है तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो x क्या है यहाँ पर हमारा, x इज इक्वल्स टू x है राइट, y इज इक्वल्स टू क्या है 2y, y की वैल्यू कितनी है 2y और यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है 4z, z की वैल्यू कितनी है 4z। नाउ स्टार्ट डूइंग इट, अब हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है राइट, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्स स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर मीन्स 4z का होल स्क्वायर प्लस 2x अगेन इंटू x, y मतलब 2y प्लस 2 इंटू y मतलब 2y, z मीन्स 4z ये लिखा हुआ है प्लस इस पर मैं पुट करती जा रही हूँ, 2 इंटू z मीन्स अगेन 4z इंटू एक्स मीन सिंपल एक्स। ओके इसको एक्सपांड करूँ मैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, y का स्क्वायर y प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और z का स्क्वायर तो z स्क्वायर ही लिखाएगा राइट। अब प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और x इंटू y ये लिख दिया मैंने, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, ये हो जाएगा 16 बाय जेड, इट इज़ 2 इंटू 4 8, तो ये हो जाएगा प्लस 8 और x इंटू जेड एक्स जेड या जेड एक्स जो भी आप बोलें। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा इस फॉर्म में आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन।